हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा बार बार देखो के मूवी रिव्यू के बारे में। जी हाँ, जितने भी रिव्यूज मैंने पढ़े हैं उससे तो अभी तक बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है बार बार देखो का, और इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा एक एक्साइटमेंट जो बिल्डअप हुई थी पहले से ही, और इस ये जो फिल्म है उस पर जरूर खरी उतर रही है। सबसे पहले बता दूं जो इसमें कैरेक्टर्स उनके बारे में, स्टार कास्ट उनके बारे में। सबसे पहले इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा है जो जय वर्मा का रोल प्ले कर रहे हैं, और उसके अलावा फिल्म में कैटरीना कैफ है जो आई थिंक जय वर्मा और दिया वर्मा का रोल प्ले कर रही है कैटरीना कैफ। और उसके अलावा फिल्म में है सारिका, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, पुरानी एक्ट्रेस है। उसके अलावा फिल्म में है राम कपूर, रोहन जोशी है AIB के, तो कहने की एक अच्छा स्टार कास्ट इस फिल्म का। और इस फिल्म में जो जब बात की जाए जय वर्मा की, जो सिद्धार्थ मल्होत्रा है वो प्ले करे एक मैथमेटिशियन का रोल, जिन जो बहुत जीनियस होते हैं और शायद वो एक गिफ्टेड इंसान रहते हैं कि जो टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, मतलब जैसे आज सोए तो वो उठ सकते हैं 2 साल बाद 30 साल बाद। तो इस तरह का एक चीज है फिल्म में, कोई टाइम ट्रेवल प्रॉपर ड्रामा नहीं है कि टाइम ट्रेवल हमेशा हो रहा है, बट कहीं ना कहीं ये मोस्टली उससे ज्यादा बढ़ के फिल्म का जो मेन कंसेप्ट है वो टाइम ट्रेवलिंग नहीं है, वो ये है कि जब हस्बैंड वाइफ का जो एक रिलेशन होता है शादी के पहले, मतलब जो और उसके बाद शादी के बाद जिस तरह से जो प्रॉब्लम आती है वो क्या होती है, कितना ज्यादा उलझ जाता है इंसान, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता, तो कितनी ज्यादा दिक्कतें होती है वो फिल्म में दिखाया गया है। मतलब 30 साल का पीरियड दिखाया गया है शादी के कुछ दिन पहले से लेके शादी के 30 साल बाद तक का, तो 30 साल का पीरियड दिखाया गया फिल्म में, कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है। और कहीं ना कहीं जो सिद्धार्थ है वो लाइफ में पीछे वापस जाते हैं हनीमून के टाइम पे, अपने अपने उनकी वाइफ प्रेग्नेंट रहती है लंदन में, वहाँ मतलब थाईलैंड में, मतलब इस तरह का जो है एक बैक पास्ट में जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स जो उनकी लाइफ से जुड़ी हुई रहती है जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसे सॉर्ट करते हैं। एक जो एक हमेशा रहता है ना, यार आप मुझे टाइम नहीं देते हो, उस तरह का जो एक रहता है ना रवैया हमेशा हस्बैंड वाइफ के लिए एक दूसरे के लिए कि यार टाइम नहीं देते, तो उस पर कहीं ना कहीं ये फिल्म डिपेंड है, एक मॉडर्न लाइफ के ऊपर डिपेंड है। शहरों में जो लोग होते हैं या गाँव में, मतलब जहाँ पे भी लोग जो अपने हस्बैंड या वाइफ को वक्त नहीं देते, या अपने दोस्तों को या फ्रेंड्स को या गर्लफ्रेंड को, मतलब उस तरह का एक है कि आप वक्त दे, वो एक कहीं ना कहीं बैकग्राउंड मैसेज है फिल्म का, वो एक कोर स्टोरी है, और ओवरऑल उसे टाइम ट्रेवल से जोड़ दिया गया है। इस फिल्म को लिखा है श्री राव ने, जो बहुत अच्छा लिखा है, और फिल्म को डायरेक्ट कर रही है नित्या मेहरा। आपको बता दूं नित्या मेहरा डेब्यूटेंट डायरेक्टर है, मतलब उनकी पहली फिल्म है, फीमेल डायरेक्टर है ये, और अभी तक बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए हैं, क्रिटिक्स ने बहुत सराहा है उनको, और फिल्म की एडिटिंग और स्क्रीन प्ले की भी जमकर तारीफ की है। और अरमान मल्लिक के म्यूजिक की भी चर्चा काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अरमान मल्लिक का जो म्यूजिक है फिल्म में, जो पहला गाना जब जैसे रिलीज हुआ था आपको पता है ट्रेलर के पहले, काला चश्मा बहुत चला था, काला चश्मा जिचदह वे जिचदह गोरे मुकड़े पे, तो ये गाना बहुत चला था रिमिक्स वर्जन की तरह। और उसके अलावा 100 आसमान लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, तो ये गाना, तो ये कुछ गाने हैं जो बहुत अच्छे कैची नंबर्स है। और फिल्म के जो लोकेशन है फॉरन लोकेशन, थाईलैंड लंदन, कुछ इस तरह का जो चीज़ें हैं वो फिल्म को एक फुल हाउस परफॉर्मर बनाता है, एक अच्छी फिल्म लगती है। उसके अलावा बात करता हूँ मेन केमिस्ट्री की, तो सिद्धार्थ मल्होत्रा और कैटरीना कैफ की केमिस्ट्री बहुत पसंद आई है लोगों को, एटलीस्ट जो क्रिटिक्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, और जिससे इतना तो साबित होता है कि लोगों को भी फिल्म बहुत पसंद आने वाली है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो एक अलग अलग किरदार में, मतलब जैसे सिद्धार्थ मल्होत्रा जवान थे कैसे दिखेंगे, उसके बाद बूढ़े हो जाएंगे तो कैसे, उस तरह का फिल्म में दिखाया गया है। और जहाँ पर क्रिटिक्स का मानना है कि जो ओल्डर वर्जन का रोल प्ले किया है कैटरीना और सिद्धार्थ ने वो थोड़ा बचकाना ज़रूर है, बट कहीं ना कहीं यही कुछ कमियाँ जो बोली क्रिटिक्स ने, बट इसके अलावा ओवरऑल फिल्म बोल रहे बहुत अच्छी है, और लोगों ने ज्यादातर जो रेटिंग्स दी है 3 स्टार दी और 3.5 स्टार तक दी है, तो 3 और 3.5 स्टार कोई बुरी रेटिंग नहीं है, अच्छी फिल्म इससे तो साफ है। और फिल्म का जैसे ही नाम है बार बार देखो, तो पब्लिक इसे बार बार देखेगी जरूर, ऐसा लग रहा है, और ऐसे ही क्रिटिक्स ने कहीं ना कहीं कहा है, और मैं भी बहुत एक्साइटेड इस फिल्म को लिए। जैसे ही मैं फिल्म देखूँ तो कुछ और बातें इसके बारे में जरूर करूंगा। और फिलहाल आपको क्या लगा इस रिव्यू के बारे में, कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हो, और आपने फिल्म देखी तो किस तरह आपका रिस्पॉन्स आप वो भी बता सकते हो। चलिए तब तक के लिए लेता हूँ आप सभी से अलविदा, और यही कहूँगा काला चश्मा जच दहवे जच दह गोरे मुखड़े पे, चलिए बाय।